Hi everyone, first of all good afternoon to all of you, so welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंट इनोग्रेशंस बाय यूनियन मिनिस्टर इन न्यूज़ 2022. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा. बताना चाहूँगा आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में इस टाइप के करंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इनोग्रेशंस के ऊपर आपको हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो लेटेस्ट करंट में जो इनोग्रेशंस की गई हैं उसके बारे में. सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा. अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पे डिस्कशन आरके सिंह के द्वारा इनोग्रेटेड किया गया है मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जिसका नाम है डॉक्टर आपके द्वार. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप जहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर आपके द्वार, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया है, दैट इज आरके सिंह के द्वारा. ठीक है, तो जहाँ पे देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर आरके सिंह के द्वारा इनोग्रेशन की गई है डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक आरके सिंह के द्वारा इसको इनोग्रेशन की गई है. इनिशिएटिव प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स डॉक्टर आपके द्वार कहाँ पे किया गया है, सदर हॉस्पिटल आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार इनोग्रेशन की गई आरके सिंह के द्वारा. इसके साथ साथ आरके सिंह के द्वारा और किसकी इनोग्रेशन की गई है, लॉन्च किया गया है इनके द्वारा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल. तो ये आपको याद रखना है. आपको डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है पूछा जाए, मगर आपको ऐसे पूछा जाएगा किसके द्वारा लॉन्च की गई है डॉक्टर आपके द्वारा, तो आंसर रहेगा आपका आरके सिंह के द्वारा. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा रिलीज की गई है बुक जिसका नाम है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी अगर आपने देखा होगा न्यूज़ में रही थी ये. जहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर यूनियन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा जो बुक रिलीज की गई है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको प्रिपेयर एंड पब्लिश किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के द्वारा न्यू दिल्ली 24 नवंबर को. तो ठीक है, तो आपको इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी रिलीज किसके द्वारा की गई है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि यूनियन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं इंडिया के. नेक्स्ट बात करते हैं राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है माँ भारती के सपूत वेबसाइट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है माँ भारती के सपूत वेबसाइट. ये काफ़ी बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये यूनियन मिनिस्टर के रिलेटेड आपको हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. सो जहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा जो फ्राइडे को लॉन्च की गई माँ भारती के सपूत वेबसाइट फॉर कंट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कंट्रीब्यूशन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड एंड अपील टू द पीपल टू कंट्रीब्यूट जेन्यूरसली टू द फंड. ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. आप जहाँ पे देख सकते हैं सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने इनोग्रेशन की है, इनको द्वारा इनोग्रेटेड किया गया है आयुष उत्सव इन कश्मीर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी JKSSB के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. जहाँ पे देख सकते हैं आप जूनियर मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इनोग्रेशन की गई है आयुष उत्सव के एट द गवर्नमेंट जूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन गांधरबल. उसके बाद विद द फोकस ऑफ गवर्नमेंट टू इनेबल ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस टू सप्लीमेंट मॉडर्न पेशेंट केयर द आयुष उत्सव वाज लॉन्च विद द इनोग्रेशन ऑफ ए सेमिनार टाइटल. इसका सेमिनार का टाइटल क्या था, ब्रिजिंग द गैप ऑफ हेल्थ केयर आयुष ऑफ प्रोमिसिंग रिकोर्स वाज इनोग्रेटेड बाई यूनियन आयुष मिनिस्टर्स. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर इसको इनोग्रेशन किया गया आयुष उत्सव को, ये किसके द्वारा किया गया, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा. नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है वन वीक वन लैब कंपेन जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑन मंडे, उनके द्वारा क्या अनाउंस किया गया है, वन वीक वन लैब थीम बेस्ड कंपेन टू शो केस द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज एंड इनोवेशन इन CSIR लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री. उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके द्वारा और क्या लॉन्च किया गया, इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है फॉर PM's एक्सलेंस अवार्ड्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इनके द्वारा इनोग्रेशन की गई है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जे. ही आल्सो लॉन्च द बाधा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोजियम. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के जो का जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ जो रिसेंट में जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं उसको हम कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट बात करें
जी किशन रेड्डी के द्वारा इनोग्रेशन की गई है 11th एडिशन ऑफ द मणिपुर संगाई फेस्टिवल। ये संगाई फेस्टिवल मणिपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो 11th एडिशन जो इसका इस बार हुआ था, इसको इनोग्रेशन की गई थी जी किशन रेड्डी के द्वारा। इसके द्वारा और क्या इनोग्रेशन की गई है, 6th एडिशन जो हुआ था गंगा उत्सव 2022 न्यू दिल्ली के अंदर, ये भी जी किशन रेड्डी के द्वारा ही इसकी इनोग्रेशन की गई थी। आप यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप। Who among the following Union Minister has inaugurated the mega event Enterprise India April 2022? किसके द्वारा लॉन्च की गई है Union Minister के द्वारा mega event Enterprise India to April 2022 को? ऑप्शन आपके पास राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नारायण राणे, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताते जाइएगा। सो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी नारायण राणे। नारायण राणे के द्वारा इनोग्रेशन की गई है, दैट इज एंटरप्राइज इंडिया अप्रैल को की गई थी 2022। जहाँ पे देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे इनोग्रेशन की गई है मिनिस्ट्री मंथ लॉन्ग मेगा इवेंट, जिसको नाम है एंटरप्राइज इंडिया अंडर द सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव ऑन अप्रैल 27, 2022। ठीक है, इसके साथ साथ क्या प्रमोट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्कीम एंड इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। सम जो है की एक्टिविटीज जो है इंक्लूड कॉन्फ्रेंस विद इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो MSME की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर हैं नारायण राणे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, विच मिनिस्टर हैज इनोग्रेटेड सर्स आजीविका मेला 2022 एट न्यू दिल्ली। ये आप देख सकते हैं ऑप्शंस में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा किस मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेशन की गई है सर्स आजीविका मेला 2022 न्यू दिल्ली के अंदर। गिरिराज सिंह, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल। सो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए गिरिराज सिंह के द्वारा इनोग्रेशन की गई है सर्स आजीविका मेला 2022। तो जहाँ पे देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल एंड पंचायत राज, ये गिरिराज सिंह के द्वारा ये किया गया है सर्स आजीविका मेला 2022 प्रगति मैदान कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। श्री सिंह जो है इन्फॉर्म्ड किया मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्म्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड रिसीव्ड ओवर 60,000 एप्लीकेशन फ्रॉम 3 स्टेट्स फॉर स्टार्टअप वेंचर्स इन निश प्रोडक्ट एंड क्राफ्ट एरिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपली ये याद रखना है सर्स आजीविका मेला जो है, आजीविका मेला जो है किसके द्वारा इसकी इनोग्रेशन की गई है, गिरिराज सिंह चौहान जो कि किसके मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इस टाइप की आपके लिए और वीडियोज लेके आऊँ तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जितने भी मैं आपको जहाँ पे रिसेंट इनोग्रेशन के बारे में आज हमने इसमें स्टडी किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो जी था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।